नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं नोटबुक या कॉपियाँ बनाने की प्रक्रिया को। सबसे पहले नोटबुक में डलने वाले पेज वीडियो में दिखाए गए तरीके से फोल्ड किए जाते हैं। इस तरीके से इनको फोल्ड करके गत्ते में डाला जाता है। गत्ता यानी नोटबुक के ऊपर जो हार्ड कवर आता है उसमें इस तरीके से इन पेजेस को फोल्ड करके डाला जाता है। दोस्तों, ये पेजेस ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड, ये तीन ग्रेड के हो सकते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन पेजेस को फोल्ड कर सकते हैं। ये फोल्ड होने के बाद गत्ते में या कवर में डालेंगे। इस तरीके से गत्ते को पेज डालने के लिए तैयार किया जाता है, गत्ते को भी फोल्ड किया जाता है और बाद में इन्हें एक साथ स्टिच किया जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये स्टिचिंग मशीन है, यहाँ से मशीन का काम शुरू हो जाता है। नोटबुक के गत्ते और पेपर दोनों को इस मशीन पे एक साथ स्टिच किया जाता है। पेजेस के क्वांटिटी के हिसाब से आप इस स्टिच मशीन को एडजस्ट कर सकते हैं। इस मशीन में 50 से लेके 300 पेजेस तक की नोटबुक आराम से स्टिच की जा सकती है। इसके बाद आती है दोस्तों एज स्क्वेयरिंग मशीन, जिससे कि आपकी कॉपियों को एक फिनिशिंग मिल जाएगी। जब आप इस्तेमाल करते हो, कॉपियाँ खोलते हैं तो उसे खोलने में आसानी होगी और आपका प्रोडक्ट फिनिशिंग में भी मार्केट में एकदम अलग तरीके से दिखेगा। इसके लिए यह मशीन का उपयोग किया जाता है, एज स्क्वेयरिंग मशीन। देखिए, ये काफ़ी पहले जो ट्रायंगुलर दिख रही थी वो अब स्क्वायर हो गई है और एक अलग तरीके की फिनिशिंग इस कॉपी में आ गई है। एज स्क्वेयरिंग के बाद दोस्तों अगली मशीन का काम है वो कटिंग मशीन। इस मशीन में आखिरी प्रोसेस यानी कटिंग इस तरीके से की जाती है और फिर एक बीच में से कट इन नोटबुक्स को दिया जाता है और फाइनली इस तरह से आपका नोटबुक बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों, नोटबुक या कापियाँ कई विभिन्न विभिन्न साइजों एवं प्रकारों में आती है। इसमें ये आप जो देख रहे हैं ये रफ कापी है, इसमें फेयर कापियाँ, फोर लाइन, टू लाइन, बॉक्स लाइन, A5 साइज, लॉन्ग बुक साइज, A4 साइज, नोटबुक साइज। इसमें सॉफ्ट कवर, हार्ड कवर, सॉफ्ट बाउंड, हार्ड बाउंड, स्टिचिंग की हुई या सिली हुई, इतनी प्रकार की कापियाँ बनती है। और कटिंग के बाद देखें, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह की फिनिशिंग इस नोटबुक को आ जाती है और एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट उभर के आपके स्टोरेज में, आपकी कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट उभर के तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमारे कंपनी का नाम है सुपर स्ट्रक्चर, जिस तरह की आप वीडियो में देख पा रहे हो। पिछले 2 सालों से हम कापियाँ निर्माण करने का काम कर रहे हैं। अब तक हमने लगभग 30,000 कापियाँ बनाने का एक्सपीरियंस हम प्राप्त कर चुके हैं। आप हमारी वेबसाइट superstructure.in को विजिट देके हमारी कंपनी के डिटेल्स जान सकते हैं। इस तरीके से फिनिश किए हुए कापियाँ आप हमारी वेबसाइट से या अमेज़ोन से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, कटिंग के बाद ये चौथी मशीन है जिसको श्रिंक रैपिंग कहा जाता है, श्रिंक रैपर। अगर आप चाहे तो 6 के सेट में या 12 के सेट में आप उसको श्रिंक रैप करके पैक कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मार्केट में वही प्रोडक्ट चलता है जो कस्टमर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इसलिए सुपर स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग में हमारा यही प्रयास हमेशा रहता है
कि हमारे कस्टमर के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकें। दोस्तों, नोटबुक का व्यवसाय एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। इसमें आप 15-20% मुनाफा कमा सकते हैं, और अगर आपके एरिया में आपके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो इसमें चांसेस और ज़्यादा कमाने के और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बढ़ जाते हैं। पर इस उद्योग को चालू करने के लिए, इसको शुरू करने के लिए, मशीन खरीदने के लिए आपको कुछ जानकारी की आवश्यकता होगी, जो जानकारी आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पा सकते हैं। इस उद्योग करने के लिए मशीन कहाँ से लेना है, मार्केटिंग कैसी करनी है, कितने मशीन को ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर कितना लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए, क्या सरकार हमें कोई योजनाएं प्रदान करती है, क्या हम किसी योजना का लाभ ले सकते हैं, ऐसे एक और अनेक न जाने कितने सवाल आपके मन में इस उद्योग से रिलेटेड उठ रहे होंगे। तो आप बिल्कुल भी संकोच मत कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे हैंडल का आपको लिंक दिया जाएगा, इसमें मेरी वेबसाइट दी जाएगी। अगर आप ये उद्योग करने में रुचि रखते हैं तो आपको एकदम अच्छी तरीके से सलाह मशवरा किया जाएगा। और अगर आप सीधा मशीनरी खरीदना चाहते हैं तो मशीनरी हमने जहाँ से लिया है बहुत ही अच्छे लोग हैं वो, गुजरात में कहा जाता है कि सबसे अच्छी मशीनरीज मिलती है, वहाँ से हम आपको कॉन्टैक्ट दिलवाएंगे। पेपर कहाँ से खरीदना है, गत्ता कहाँ से खरीदना है, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस कारोबार में आना है और अगर इस उद्योग को शुरू करना है तो इसके लिए हमने एक ब्लॉग भी लिखा है, उस ब्लॉग का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो ब्लॉग को भी आप पढ़ सकते हैं और उद्योग जगत में, उद्योग के क्षेत्र में कैसे अपने कदम रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी जानकारी भी आपको उस ब्लॉग में मिल जाएगी। दोस्तों, ये प्रोसेस इतना लंबा नहीं होता है। नोटबुक बनाना बहुत ही आसान कला है, वो इसकी मार्केटिंग करने में थोड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं आ सकती है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर एक दिन में हम 5,000 नोटबुक बना भी लेंगे तो उसको बेचना कैसे, उसकी स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। अगर आपको इस संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पे हमें कॉन्टैक्ट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।